हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अशोक लीलैंड की दोष की टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि इसकी टाइमिंग किस तरह से मिलाई जाती है। यह हमारी टाइमिंग पोजीशन है जो कि पूरी खुली पड़ी है। अभी हम इसमें आपको बताएंगे कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है। यह हमारी बेल्ट है, इसमें देख रहे होंगे दोस्तों आपको ब्लॉक में और गियर में दो पॉइंट दिख रहे होंगे, ब्लॉक में और गियर में दो पॉइंट दिख रहे होंगे। इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाएंगे आपस में। गियर में देख रहे होंगे दोस्तों कि ये 16 mm के बोल्ट लगे हैं। हम इन दोनों बोल्ट के सहारे से पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। पॉइंट मिलने पर आप किसी बोल्ट या एलंकी के सहारे से पोजीशन को चेक कर सकते हैं। ओके है। दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे। ओके है, ओके है। अभी हम केम को मिलाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपस में मिलाएंगे। 16 mm के बोल्ट से घुमाएंगे। घुमाने के बाद हम किसी बोल्ट या लंकी से पोजीशन को मिलाएंगे। ओके है। पोजीशन थोड़ा ध्यान देकर मिलाइए। अभी हम बेल्ट को चढ़ाएंगे और दिखाएंगे कि इसकी बेल्ट कैसे चढ़ाई जाती है। ये हमारा वाटर पंप हो गया। अभी हम केम के गियर पर लगाएंगे। टाइमिंग एडजस्टर हो गया। अब इसके टाइमिंग एडजस्टर पर हम बेल्ट को चढ़ाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। इसमें एडजस्ट करने के लिए 6 mm की एलंकी लगी है जिससे हम इसको एडजस्ट करेंगे और 13 नंबर के पाने से इसको हम लॉक करेंगे। टाइमिंग मिलाते टाइम बेल्ट को ध्यान दीजिए, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज। टाइमिंग ओके हो गई है दोस्तों। टाइमिंग मिलाने के बाद एक बार फिर पोजीशन को चेक कर लीजिए, पोजीशन सही है या नहीं सही है, क्योंकि बेल्ट चढ़ाने पर थोड़ा इधर उधर घूम जाती है। ओके है। ये भी ओके है। गाड़ी को स्टार्ट किए देख रहे होंगे दोस्तों, गाड़ी में थोड़ा स्टार्टिंग बढ़िया है बट हंटिंग है थोड़ा। अभी हमने पूरे इसका इंजन का काम किया है, थोड़ा बहुत चलेगा ऐसे भी जाएगा। क्योंकि इसकी टाइमिंग या इंजन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में कमेंट करें।